सो इमेजिन कीजिए एक ऐसा टाइम जब जीरो और नेगेटिव नंबर्स यूज में नहीं थे, तो इस टाइप की इक्वेशन यानी कि क्यूबिक इक्वेशन जिसे आज भी सॉल्व करना एक टेढ़ी खीर है, को सॉल्व करना कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है जो कि हमने एक अदर वीडियो में कवर करी हुई है, पर इस वीडियो में हम आपको इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ज़बरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप इस टाइप की इक्वेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकेंगे। इससे आपको जेई और जेई जैसे अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी और आप रहेंगे सबसे एक कदम आगे। सो अगर आप ध्यान देंगे तो स्कूल लेवल तक की मोस्ट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, या अगर दिन खराब रहा तो प्लस माइनस हाफ में से एक होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इसमें हम पहले प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री में से एक एक सब्सटीट्यूट करके हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे। तो इसमें वन डालने पे हमें जीरो आ रहा है, तो मतलब कि वन इसका एक रूट है, तो यानी कि एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया। अब इसी क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे और फिर हम इस क्यूबिक इक्वेशन को लिखेंगे क्वेश्चन इनटू डिवाइजर। तो यहाँ पर हमें x माइनस वन से इस इक्वेशन को डिवाइड करने में मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, जिसको हम फर्दर फैक्टराइज करें तो मिलेगा x प्लस टू इंटू x प्लस थ्री। सो अभी हम फाइनली इस क्यूबिक इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू x प्लस टू इंटू x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो नाउ इन तीनों का प्रोडक्ट क्योंकि जीरो है, तो इनमें से कोई एक या फिर कोई दो ये सारे ही जीरो के बराबर होंगे, और हर एक टर्म को जीरो से इक्वेट करने पे हमें सॉल्यूशन मिलता है x का 1, माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अभी यही मेथड आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए और कमेंट कीजिए अपने आंसर, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कीप फॉलोइंग डीजीटी स्टडी। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।